वेलकम बैक, फिर से आपका स्वागत है। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ पुरुष ऋतु निवृत्ति के बारे में, एंड्रोपॉज। इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। जेंट्स को, मतलब पुरुष को, 50-55 साल के बाद में सेक्स में कम इच्छा होती है, सेक्स में कमजोरी पैदा होती है, और उसके वजह से उसको डिप्रेशन आता है। फिर डिप्रेशन आ गया, उसके वजह से फिर और इच्छाएं कम हो जाती है। उसके लिए क्या करना, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में और ठाणे में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा हॉस्पिटल अकोला, ठाणे, नागपुर, पुणे ये जगह पे है। और काफ़ी सारे लोग आते हैं कि अभी उम्र हो गई और आजकल मेरी इच्छा कम हो रही है। पुरुष लोग आते हैं, क्या होता है कि 50-55 साल की उम्र में ये ज़्यादातर लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई नहीं, आजकल मेरी इच्छा है कम हो रही है। वो कंप्लेन करते हैं कि कठोरता लिंग में भी आती नहीं है जितनी चाहिए उतनी। फिर वीर्यस्खलन जो होता है उसमें जोश कम हो जाता है, स्खलन में चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, वीर्य का प्रमाण कम हो जाता है, और दो संभोग का अंतर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें यह अक्सर पाया गया है, मतलब 50 से 60% लोगों में, कि पौरुषत्व का हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन, उसका लेवल यूजली जो होना चाहिए 270 से लेके 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, या एवरेज 679 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इतना होना चाहिए, तो कम हो जाता है और उसकी वजह से हो सकता है। या कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल है तभी भी होता है। तो इसके लक्षण कैसे मालूम पड़ते हैं, कौन से लक्षण हैं वो हम देखेंगे। एक तो क्या है कि लोगों का जीवन का आनंद कम हो जाता है, उत्साह, जोश कोई काम में वो कम होता है, लैंगिक वासना कम हो जाती है, निराशा आती है, डिप्रेशन आ जाता है। एक तो क्या है कि 50-55 ये उम्र जो है इसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी पढ़ाई का टेंशन बच्चों के, उनको नौकरी धंधा चालू करना है तो उसका टेंशन, उस समय हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ऐसी कोई बीमारियां चालू हुई तो उसका टेंशन, वजन कम होना, काम की क्षमता जो है वो कम होना, स्टेमिना कम होना, पत्नी के तरफ आकर्षण कम होना, फिर बदन में ऐसी गर्माहट लगना, नींद बराबर नहीं आना, कमजोरी आना, हड्डी में पतलापन आता है या जोर कम हो जाता है, इसलिए कहीं भी गिरने का चांस है और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। नींद कम आती है, और फिर उसमें निराशा एक बार आ गई तो उसमें फिर जितना जितनी चाहिए उतनी कठोरता लिंग में आती नहीं है, और एक बार कभी कठोरता नहीं आई और वो फेल हो गया तो उसको लगता है कि अभी मेरी उम्र ख़त्म होते जा रही है, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अभी मैं संभोग नहीं कर सकूँगा। ये एक बार दिमाग में विचार आ गया कि वहाँ से फिर और डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन की वजह से फिर से जोश कम होना शुरू हो जाता है और वो विशेष साइकिल में फंस जाता है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए है कि सबसे पहले कि उम्र के हिसाब से इच्छा भले ही कम होंगी मगर सेक्स जिंदगी के आखिरी तक कर सकते हैं। 80, 85, 90 साल के लोग मेरे पास में आते हैं और वो सेक्स का, जीवन का आनंद लेते हैं, ऐसा उनको वो मुझे बोलते रहते हैं। तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। और उसके लिए क्या करें, उसके लिए जो सामने आया उसको स्वीकार करो, उसका सामना करो, और जो भी जैसा भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको स्वीकार करो, उसको उसको सामने जाओ। टेंशन लेने से कुछ होने वाला है नहीं। बच्चों की पढ़ाई है, आमदनी कम है, या बच्चों की शादी करना है, ऐसे काफ़ी सारे टेंशन आ सकते हैं, या धंधे में नुकसानी हो गई है, तो उसका सामना करो। फिर मन की बात बताने वाले, मतलब जिनसे हम शेयर कर सके, ऐसे आपके दोस्त यदि दो चार रहते हैं कि उनके साथ में आप शेयर करते तो मन को हल्का हो लगता है। फिर नशे से दूर होना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट और शराब,
इसका नशा ये भी उम्र में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इफेक्ट सेक्स के ऊपर होता है। टेस्टोस्टेरोन यदि कम पाया गया कि तो फिर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन अपन ले सकते हैं। क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये उम्र हो गई, अभी सेक्स में वैसे इंटरेस्ट कम है, पत्नी भी अभी सहयोग नहीं करती है, वो भी बोलती है अभी क्या ये उम्र है सेक्स करने की, पत्नी भी नहीं बोल रही है, पुरुष को भी ऐसा लग रहा है, पति को भी, कि भैया उम्र ज़्यादा हो गई है। तो क्या होता है कि 80 से 90% लोग डॉक्टर की सलाह ही लेते नहीं कि नहीं हमारा सेक्स कम हो गया तो अभी उसके लिए क्या करना। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह लेना और आनंदमय जीवन जीना, जोशपूर्ण जीवन जीना, तनाव से मुक्त जीवन जीना, और ये मन में भी नहीं आने देना कि भाई मैं अभी मेरी उम्र हो गई है तो अभी मैं सेक्स के लिए कमज़ोर हो गया हूँ। यदि वो करते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर, मतलब खुद को इंटरेस्ट है और पार्टनर को भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर इज़ द बेस्ट सेक्स टॉनिक। तो दोनों को इंटरेस्ट उसमें रहना चाहिए। हम बूढ़े हो गए, अभी वो क्यों करना है, अभी वो करना अच्छा नहीं है, अभी ये क्या उम्र है क्या, ऐसा किसी ने भी मन में नहीं आने देना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। बस इतना ही मुझे बोलना है। अब के काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम नहीं है, तो जिनको ये मालूम नहीं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो हो सकता है। उनको ये वीडियो शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वहाँ बेल का जो चिन्ह आता है ना उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।